मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रविवार को अपने मंडी प्रवास के दौरान माता भीमा काली मंदिर परिसर में जारी कोटिरुद्र महायज्ञ में शिरकत की। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने भीमा काली मंदिर में अपना शीश भी नवाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भीमा काली मंदिर में कोटिरुद्र महायज्ञ जैसे विशाल कार्यक्रम का आयोजन मंडी में किया जा रहा है, इसको लेकर आयोजक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें सभी मंडी वासियों का सहयोग है। मंडी के लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। वहीं कोटिरुद्र महायज्ञ के आयोजक आचार्य नित्यानंद सेमवाल ने कहा कि कोटिरुद्र महायज्ञ में शंकर भगवान के 1 करोड़ पाठ होने हैं और 750 ब्राह्मण इसे संपन्न करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा और इसमें 51 वेदियां तथा 51 ही हवन कुंड होंगे। आचार्य नित्यानंद सेमवाल ने कहा कि इस यज्ञ का उद्देश्य प्रकृति और संस्कृति को बचाना है। इस महायज्ञ को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मणों द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, उनका आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ कि सभी के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम कोटि महायज्ञ का यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि सभी को आशीर्वाद मिले और सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए सभी का कोटि कोटि नमन सबको। और जो हमारे आचार्य जी और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ आए हैं इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए, सभी को आशीर्वाद देने के लिए, उनका भी हम बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज भी महाकाली मंदिर में जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी मंडी वासियों का सहयोग है और उनके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।